प्रोडक्शन है राजमाता प्रोडक्शन और केएम फिल्म इंटरनेशनल, दो फिल्में एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। एक फिल्म तो एंडिंग के कगार पर है जिसका नाम है आई मिस यू, जो राजमाता प्रोडक्शन के बैनर के नीचे बन रही है, जिसके अभिनेता और प्रोड्यूसर हैं राजगिल। उनकी बहुत सी इच्छा थी कि भाई हम फिल्म बनाएं, तो मेरे अच्छे मित्र हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मैंने कहा कि भाई मैं आपका साथ दूंगा, आप फिल्म बनाइए, और मैंने उनकी फिल्म कंप्लीट करवा दी है। जो अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं उसी का शूट चल रहा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट मेरा प्रपोजल है, दिल तो दिल हो जान होती, वो मेरा होम प्रोडक्शन है, वो भी मैं इनके सहयोग से मुहूर्त की है और फिल्म कंप्लीट करने के हम लोग कगार पर हैं। फिल्म में हमने सीन में देखा सर, फैमिली को लेकर है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस मैसेज के बारे में हमें बताइए। फिल्म की कहानी क्या इसी पर है कि सिर्फ फिल्म में एक डायलॉग है? ये एक डायलॉग है, एक मैसेज दे रहे हैं कि परिवार वाले जो गरीब है वो चाहते हैं कि भाई एक औलाद के बाद दूसरी औलाद हो, दूसरी के बाद तीसरी हो, तीसरी के बाद चौथी हो, लेकिन नतीजा जो होता है वो अपने परिवार को खुशहाल नहीं रख सकते। हम इसके साथ ये एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि बस छोटा परिवार रखोगे तो आप भी खुश रहोगे, देश भी खुश रहेगा, देश बदहाली की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आपका परिवार तो काफी बड़ा दिख रहा है। नहीं, ये एक सपना है जिसमें हमने सपने में दिखाया है कि जो मेरी बीवी है वो देख रही है कि उसके बच्चे परेशान कर रहे हैं, उसको ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे हों, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चे हों। एक हमारी फिल्म का एक शॉट है जिसमें हम मैसेज के तौर पे हमने उसको इस्तेमाल किया। छोटे बच्चों के साथ काम करने में कुछ कठिनाई आ रही है, कैसे कर रहे हैं आप? नए लोगों के साथ तो मुझे काम करते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं चाहता हूँ कि पुराने तो लोग बढ़ते हैं, उनका नाम है, वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं, नए काम करने वाले हैं, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, वो भी कल के टॉप के सुपरस्टार होंगे। फिल्म का रिलीजिंग का क्या प्लान है सर, कब तक रिलीज होगा? ये कम से कम हमारा प्लान जा रहा है, कम से कम 6 महीने के अंदर हम लोग कंप्लीट करके रिलीज कर देंगे आई मिस यू। और फिल्म के स्टार कलाकारों के बारे में बताइए, कैसे कलाकार हैं, उनके बारे में बताइए, कैसे सिलेक्शन किया फिल्म में आपने? सिलेक्शन उनके टैलेंट के बेस पे किया, अगर नहीं भी आता है, एक जौहरी का काम क्या होता है, पत्थर को तराश के हीरा बनाना, तो मेरा वही काम है एज ए राइटर डायरेक्टर होने के नाते। मैं चाहता हूँ नए को भी चांस दूँ और उनको भी बढ़ाऊँ, उनको भी तराश के मैं हीरा बनाऊँ। कठिनाई तो आती है, परेशानियाँ आती है, अगर हम उनको छोड़ के भागेंगे तो उनको चांस कौन देगा? कल जो नए थे आज वो पुराने हो गए, आज जो नए हैं वो कल पुराने हो जाएंगे, उनकी जगह कोई और नया आएगा। इंडस्ट्री में तो वक्त के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, ये भी बदलेगा, मौसम बदलता है वैसे हालात बदलते हैं, और हम चाहते हैं कि हम समाज को एक अच्छी चीज़ दें। गुड, तालियां, ताकि सुधार हो सके। हम चाहते हैं कि फिल्म के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता हम दें, चाहे वो फैमिली के में बेस पे हो या कोई भी बेस हो, जो भी है, हम वो चाहते हैं कि वो उससे आशना हो, रूशनास हो, और उसको वो दूर करें, अपने अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें। थैंक यू सर। और इसके अलावा ये सीताराम जी हैं, फिर मेरे खालिद हैं, ये अपना खालिद रहमान है, हमारे राजगिल हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो टैलेंटेड हैं, और लकी जी वो भी हमारे टैलेंटेड हैं, मैंने उनसे मुलाकात की और मुझे उनमें टैलेंट नज़र आया। जिनमें मुझे टैलेंट नज़र आता है मैं उनको वेलकम करता हूँ, ऐसा नहीं कि वही उन्हीं को वेलकम करता हूँ, जो नए भी आते हैं, जो शौक रखते हैं, जुनून है, उनको भी मैं अपने माध्यम से बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या आगे भी आने वाले समय में इसी तरह की फिल्में बनाएंगे आप? मैसेज हाँ, इसके अलावा ये हम राजमाता प्रोडक्शन की ये फिल्म कम्प्लीट होने के बाद आई मिस यू के बाद सजना बाली उमर को सलाम बनाएंगे। मैं अपने प्रोडक्शन केएम फिल्म के ये रिलीज होने के बाद दिल तो दिल है, उसके बाद मेरा प्लान है प्रेम प्यारिश, उसको हम बनाएंगे, मतलब लोगों को चांस दें और आगे बढ़ाएं। हाय गाइस, मेरा नाम सीताराम राम है,
मैं इस फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ और खली सर को बोल के मैंने एक छोटा मोटा रोल भी कर रहा हूँ। मैं इससे पहले एक फिल्म हमारे अभी रिलीज हुआ है, जो फिल्म का टाइटल है अननोन, जिसमें इंस्पेक्टर की भूमिका मैं निभाया हूँ। और आप लोग के बीच में बहुत जल्द दिल टू दिल जान हो तुम्हें फिर से दर्शकों को देखने के लिए मौका मिलेगा। और इसमें मैं भी एक छोटा मोटा भूमिका कर रहा हूँ, पर जो भी है खली सर के हमारे माध्यम से बहुत अच्छे हो रहे हैं। और हमारे आर्टिस्ट तो मैं के बारे में सर, इस फिल्म में मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और एक क्या कहते हैं सपने में एक मेरा गाना भी है। वैसे पुलिस वाले को तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है अपने, तो सपने में गाना सुनता क्योंकि तो सर मैं यही कहूँगा पूरे दर्शकों की कि हमने जो आर्टिस्ट को अभी जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं, मैं एक भागशाले हूँ जो ये लोग हमें मिला है। हमारे इस फिल्म में फर्स्ट तो हमारे खलील साहब खुद जो है भूमिका निभा रहे हैं हमारे बहुत अच्छे, और इनकी जो वाइफ है कुसुम पांडे वो भी इनके साथ बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। और हमारे ये एक मैन एक्टर सब है, सब फ्रेशर ही है, पर मैन हम अभी सेलेक्ट किए हैं एक दो को, जिसमें अभी मनोज वाजपेयी जी की प्लान चल रहा है हमारा भी, और दूसरा अपना ये किरण कुमार जी जो हमारा विलन है, और उसमें अभी लक्की भाई है, लक्की ठाकुर सॉरी, उसको मैं रखा हूँ। और ये फिल्म एक ऐसा मैसेज है, जिस तरह आप लोग देखे होंगे कि एक शोले फिल्म आपने देखा था, ठीक हमने उसी तरह एक इस फिल्म के जागरूक बनाने जा रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम खालिद रहमान है, मैं फिल्म का कैमरामैन हूँ और मुझे काम करके बहुत मज़ा आया। बाकी यूनिट बहुत प्यारी है, ब्यूटीफुल है, सबसे बड़ी चीज़ अच्छे प्रोड्यूसर हैं और खुद हीरो हैं, और हीरो बनाने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे इंडस्ट्री के डायरेक्टर खलील खान साहब, जिनके साथ जुड़ा हूँ मैं। काफ़ी फिल्में की इनकी, इनका एक ही मकसद होता कि अच्छी फिल्में बनाए, लोगों को काम दे और अच्छे लोकेशन पे शूट करें। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है, खाना पीना से लेके ट्रैवलिंग का हर चीज़ का बहुत अच्छा है, पेमेंट का बहुत अच्छा है, और जिस फिल्म में काम करते हैं सिस्टमेटिक करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और सारी फिल्मों में काम करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टाइम को लेके, लोग 12 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है और जितनी भी यूनिट के लोग हैं सभी खुश रहते हैं टोटल, और एक फैमिली के जैसे रहते हैं, मज़ा आता है काम करके। और ये फिल्म में काफ़ी अच्छा लोकेशन उन्होंने सेलेक्ट किया है, काफ़ी महंगा लोकेशन है, फिल्म की बजट के ऊपर गया है, लेकिन बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। जी सर, सबसे पहले नाम बताइए, फिल्म के बारे में बताइए, किस प्रकार का किरदार है आपका? जी मेरा नाम राजगिल है, मेरा बैनर का नाम राज माता प्रोडक्शन है। एक है मेरा सपना था, मैं कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, बड़ा कोई हाईफाई नहीं, मैं नॉर्मली इंसान हूँ। एक मेरा सपना है कि मैं भी इस लाइन में आऊँ और लोगों को मैं भी बताऊँ कि हर इंसान कोशिश तो करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है, लेकिन कामयाब भी वही होता है जो दिल से दिल लगा के मेहनत करता है। तो ही हमारा एक सपना है, मैंने एक चाहा कि फिल्म बनाऊँ, अच्छी रोमांटिक सस्पेंस फिल्म हो मैं बनाऊँ। तो हमारे दोस्त काफ़ी पुराने हैं, 20-25 साल से हमें जानते हैं, तब इनको लेके एक फिल्म मैंने बनाया जिसका नाम है आई मिस यू। अभी कंप्लीट हो चुकी है, एक उस एक दिन का शूट बाकी है बस। जी हमारी उम्र 45। इन्होंने हमारा बचपना देखा है, जवानी देखा, बुढ़ापा भी देख रही है। जैसे कि आपने कहा कि काफी लोग मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुँचने में, आपने कितनी मेहनत की उसके बारे में बताइए, कैसा बॉलीवुड में आने का? जी बॉलीवुड में तो हमारा सपना है बहुत पुराना, 10-15 साल से मैं सपना देख रहा हूँ, और मैं एक अच्छा खासे बड़े स्टार के साथ में जॉब भी कर रहा हूँ उनके घर में, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपने अपनी जिंदगी में उतारी है, उनसे क्या कुछ सीखते हैं? जी जी जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं उनसे ये सीखा है कि अगर इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको रहना है तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत बनाओ, और उस इज्जत के साथ उस सामने वाले को भी इज्जत दो जितनी आपकी वो इज्जत करता है। और टाइम अक्षय कुमार जी सुबह 4 बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? हम भी 4:30-4 बजे उठ जाता हूँ, 3:30-4 बजे उठता हूँ मैं भी डेली एवरी डे। जैसे कि आपकी फिल्म की शूटिंग तो स्टार्ट हो गई, जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ, म्यूजिक लॉन्च हुआ, यस सर, अक्षय कुमार को अपने म्यूजिक लॉन्च ट्रेलर लॉन्च पे लाएंगे या दिखाएंगे, कुछ बताया? यस सर ऑफकोर्स। क्या बोला उन्होंने? अभी उनसे मैंने छिपा कर रखा हूँ, अभी उनको मैं शो नहीं किया, सरप्राइज मैं दूंगा उनको। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है सर? इसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो अभी हमारे खलील खान डायरेक्टर साहब उन्होंने बताया है, वो है हमारा सजना बाली उमर को सलाम।
फिल्म की पूरी टीम के बारे में बताइए कैसा? बहुत अच्छी, बहुत गुड। ऐसी टीम उन लोगों को मिलती है जो अच्छे दिल से प्रोड्यूसर अच्छे होते हैं। क्या बात है। बस मेरा नाम मानसी पटेल है और मैं इस फिल्म में लीड भूमिका कर रही हूँ, अंजलि नाम का, एंड राजगिल सर के मैं अपोजिट में हूँ। एंड मैं इस फिल्म में खलील सर की वजह से आई, क्योंकि मैंने उनसे ही मीटिंग की एंड उसके बाद मेरा शूट हुआ। एंड यहाँ की यूनिट इतनी अच्छी है, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे काम करके, और आई मिस यू रियली। मैं मिस करूँगी इस यूनिट को और ये पल को बहुत ज़्यादा मैं मिस करूँगी। एंड मूवी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। किरदार मेरा अंजलि, मैं यहाँ लीड हीरोइन में काम कर रही हूँ। एंड किरदार मेरा इस टाइप का है, मैं उनके अपोजिट में हूँ, कॉलेज वॉलेज में पढ़ने वढ़ने जाती हूँ और अगर बाद में कुछ ऐसे मोड आते हैं जो मर जाती हूँ मैं। इनसे मैं व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई थी, मुझे नंबर किसने दिया था नहीं मालूम इतना मुझे, लेकिन मीटिंग हुई थी मेरी तो ऐसे ही बात चली। फिर नेक्स्ट डे मैं शूट पे आ गई, आज मीटिंग हुई तो कल मैं शूट पे आई, ऐसे हुआ था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इधर, और मैं कानपुर से रहने वाली हूँ और इससे पहले मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए हैं। एंड अभी मैं मॉडलिंग्स भी कर रही हूँ, मॉडलिंग में मैं बहुत सारे कैटलॉग शूट्स वगैरह, इंटरनेशनल भी मैंने कैटलॉग शूट्स वगैरह किए हैं। एंड मूवी ये मेरी फर्स्ट मूवी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच खलील सर कि उन्होंने मुझे ये फिल्म दिलाई, मेरी फर्स्ट मूवी है। बहुत बढ़िया। नाम बताइए, फिल्म में काम कर रही है, क्या प्रकार का, किस प्रकार का किरदार है वो बताइए। मेरा नाम सोनाली सिंह है और मैं पद्मा का रोल कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा नाम कुसुम पांडे, मैं खलील सर की वाइफ बनी हूँ, जिसमें मेरे 12 बच्चों का प्रोग्राम दिया गया है। मतलब यही कि मैं सपना देख रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे नहीं हैं तो उसी हिसाब से मेरे बच्चों के लिए सोच रही हूँ। फिर सपनों में ऐसा फील होता है कि मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, जहाँ मैं खलील सर को चिल्ला रही हूँ कि परिवार छोटा बनाओ, सुखी बनाओ, क्योंकि आज के जनरेशन में छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। नहीं हाँ, ऑफकोर्स ये बहुत ज़रूरी, ये बात तो सही है। जी मेरी टीम बहुत अच्छी है, यहाँ के जितने लोग लड़की हैं, लड़के हैं, एक्टर्स हैं, सबसे बेस्ट और बहुत सुपर है। इसके अलावा अपने फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या कुछ किया है आपने इसके पहले, कोई सीरियल कुछ? जी मैंने दो एल्बम किया है, एक तो राम मंदिर बनाना है और एक भोजपुरी एल्बम है मेरा। और सेकेंड थिंग, मैंने स्टार्टिंग में सुमित संभालेगा सीरियल में मैंने क्राउड में काम किया था फर्स्ट में। हाय मैं हूँ हिना, मैं इस फिल्म में एक चंद्रमुखी का रोल कर रही हूँ। फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम है दिल तो दिल है जान हो तुम, और इसमें मैं प्लेबैक भी किया एक सिंगिंग पे। मैं नंदिनी सरकार और मैं इस रोल में एक लीड हीरोइन हूँ, जिसमें दिल तो दिल है जान हो तुम मैं आर्टिस्ट हूँ, और इसमें मेरा चांदनी का किरदार है। जो मेरे जो बॉयफ्रेंड होते हैं, जो बीएफ होता है मेरा, वो मुझसे बेवफाई कर जाता है, तो मैं इसमें अपने आप को मजबूर और लाचार समझकर मैं डांसर का रोल अदा करती हूँ। तो ये मेरा इसमें किरदार है, जो मैं एक डांसर हूँ इसमें। ज़्यादातर फिल्मों में हमने देखा है कि ज़्यादातर नए कलाकार नज़र आए, तो काम करने का देता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इतनी अच्छी यूनिट है और इतना अच्छा टीम है, जहाँ खलील सर जी हैं, सीताराम सर जी हैं, जहाँ हमारे कैमरा मैन जी है, तो उनके सहयोग से तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ और यहाँ पे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और प्लस मैंने ऑलरेडी इनोसेंट किलर में भी काम की हूँ, जो वेब सीरीज है मेरा। बाहुली में मैंने पुलिस का किरदार निभाया हुआ, तो ऐसे मैंने प्लेटफॉर्म आगे आगे बढ़ी हूँ। जी मेरा नाम चार्मी घेरवड़ा है और मैं इस मूवी में काम कर रही हूँ, दिल तो दिल है जान हो तुम, जिसमें मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से जो आई हुई लड़की होती है, तो उसे कितनी फैमिली में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कॉलेज में और जहाँ जाती है उसे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में कुछ दिखाया गया है। आई होप कि लोगों को अच्छा लगे और लोग प्यार दें बस। हाय गाइस, मेरा नाम ज़किया खान है, मैं इसमें छोटा सा किरदार कर रही हूँ, उसमें इंस्पेक्टर की वाइफ हूँ। वो इंस्पेक्टर जो है तो मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं,
उसके वजह से मेरी उनकी बहुत बहस होती रहती है इस मूवी में। और इसके पहले आपने क्या कुछ किया? इसके पहले मैंने एक डगर ऑफ डेंजर्स कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं है वो। हाय, मेरा नाम हुमा खान है और मैं ये मूवी में काम कर रही हूँ, दिल तो दिल जानो तुम, और मेरा इसमें छोटा सा कैरेक्टर है बिंदिया, इसमें नाम है मेरा। क्या नाम है? बिंदिया। बिंदिया क्या है, मतलब कॉमेडी रोल है, नाम से तो काफ़ी वो लग रहा है। लड़की लीड, लीड का कैरेक्टर, और मैंने इससे पहले कभी काम नहीं किया है, फर्स्ट टाइम। कैसे मिला ये फिल्म आपको? हाँ, फिल्म कैसे मिला आपको? क्या आपने फिल्म कैसे मिला है? ये सीताराम जी के उनसे, और मित्रा सरकार है, मैं ये पिक्चर में आई हूँ, माँ का रोल कर रही हूँ। और कैसे मिला था फिल्म की, मैम फिल्म के बारे में बताइए, क्या कुछ कर रही हैं, फिल्म की पूरी टीम के बारे में बताइए, क्या कैसा लगा, शूट हुआ कैसा, एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए। इसमें तो सब ठीक ही है, सब जो काम कर रहे हैं वो सब ठीक ही लग रहे हैं। और ये जो लाया गया तो हमारा सीताराम छोकरा माना हुआ है, वो छोकरा है मेरा, उसने मेरे को इसमें लाया है, माँ का रोल दिलाया है। तो पहले आपने कुछ किया किसी फिल्मों में? नहीं, मैं कुछ नहीं किया, पहला फर्स्ट टाइम है माँ का रोल निभा रही हूँ। क्या कहता है? हाँ, खुश है, बहुत खुश है, बच्चे लोग को लेकर तो बहुत खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ कि ये लोग आगे बढ़े और मैं भी उनके साथ साथ चलूँ। राहुल कुमार सिंह, फिल्म में क्या कर रहे हो? पुलिस का रोल है। ओके, आप? हाय, क्या नाम? मेरा नाम शिवा पटेल। ओके, इसमें मेरा अर्जुन का कैरेक्टर है। अर्जुन कौन है? अर्जुन सेकंड लीड है सर। ओके ओके, तो इस फिल्म में आप सेकंड लीड काम कर रहे हैं जी? कैसा लग रहा है फिल्म करके? इस फिल्म में काम करके बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और इस यहाँ तक मुझे पहुँचाने वाले कई लोगों का सहयोग है, उन सभी लोग के सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं इस फिल्म में? जी अभी कैरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है। जी क्यों आ गए आप लोग पिक्चर के बाद में? आप बोलिए। हाँ, मेरा नाम सोनू सोनी। इस फिल्म में आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक लड़के का कैरेक्टर दिए गए हैं, दोस्तों का, हीरो का फ्रेंड। ओके, और मुझे वैसे मुझे यह बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पहला शूट मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, आगे क्या हो सकता है, और बहुत लोगों से। हेलो एवरीवन, आई एम सुमित कुमार श्रीवास्तव, मुझे यहाँ काम करके। सुमित जी, एक चीज बताइए, आप इस फिल्म में क्या करना चाहते हैं? मैं लीड का काम कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर प्रेम का है। अच्छा। और बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा कैरेक्टर है। ओके। इसमें मुझे काम करके बहुत मजा आ रहा है, और आगे से और भी मुझे इनके सहयोग से काम मिला। ओके। तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और मैं इस फिल्म में राजन नाम है मेरा, लीड रोल काम कर रहा हूँ। मुझे इस फिल्म में सीताराम जी की सहयोग से फिल्म मिली है मुझे, और आगे भी और काम देंगे सर, तो इसी तरह आगे काम करूँगा। मेरा नाम ध्रुव सिंह है और मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। जब मैं आया था यहाँ मुंबई में, तो सबसे पहले मैं सीताराम जी से मिला। हाँ, उससे मिलने के बाद वो उसने बुलाया और एक जगह मैंने ऑडिशन दिया, जिस समय अननोन का चल रहा था, उस समय मैंने ऑडिशन दिया, और उसमें डायरेक्टर जगदीश सिंह था, उसने सेलेक्ट किया था मुझे साइड हीरो का। उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया, एंट्री का एक ही सीन किया। जी, आप इस फिल्म में क्या करना चाहते हैं? जी, इस फिल्म में मैं दिल तो दिल है जान हो तुम में, मैं एक लीड के काम करता हूँ, और इस लीड के लिए खलील सर ने मुझे साइन करवाया और अच्छा सीन दिया, जिसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है, और एक छोटा सा आर्टिस्ट को एक हीरो बना दिया। मैं राजू शर्मा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। राजू शर्मा, इस फिल्म में क्या करना चाहते हो? सर, मेरा तो सपना शुरू से था कि पुलिस में आऊँ, लेकिन मेरा माली हालत उतना सही नहीं था, लेकिन रियल में नहीं, हमारे सीता सर जी हैं जो दिल है, दिल तो दिल जान हो तुम में मुझे पर्दे पे ये पुलिस का रोल करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इसमें मेरा करेक्टर है हौलदार करम का। ओके ओके, थैंक यू। फिर मेरा नाम वीरेंद्र कुमावत है, मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, और मैं सीताराम जी सर से मिला, तो मेरे को एक छोटा सा रोल दिया है सीताराम जी सर ने, तो मैं हीरो के साथ थोड़ा वो फ्रेंड के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं देखिए छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, वैसे मैंने टीवी सीरियल बहुत सारे किए हैं, जिसमें ज़्यादातर भूमिकाएं मुझे विलेन की मिलती है,
जैसे कलर्स पे शक्ति बहुत फेमस सीरियल है, उसमें मैंने मेन विलन किया है, या सावित्री और मुस्कान ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मेरे फेवरेट सीरियल है जिसमें मैं मेन विलन था। और जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई, हमारे आदरणीय सीताराम जी सर कास्टिंग डायरेक्टर इस मूवीज़ के, और एक खलील सर है, खलील खान जी है उनका नाम, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरी जो अंदर की भावना जो फीलिंग थी उन्हें उन्होंने पहचाना और मुझे अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया। आज मैं इतना खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकता था। और जब इस टीम से मिला, सारे हीरोज देखे, हीरोइंस देखी या अदर कलाकार, बहुत खुशी हुई सबसे, एक फैमिली की तरह मिल के सारे बहुत अच्छी तरह से काम में लगे हुए हैं, पूरे दिलो जान से, ऐसा कोई नहीं। सर मैं विजय सिंह एक छोटा एक्टर हूँ और हमारे गुरु लक्की सिंह ठाकुर हमको इस मुकाम तक पहुँचाए और मेरी पहली मूवी है और जिसके दिल तो दिल और जान हो तुम, तो हमारे गुरु लक्की सिंह ठाकुर जी यहाँ तक पहुँचाए, इनके द्वारा मैं कास्टिंग डायरेक्टर सीताराम जी के यहाँ तक पहुँचा और हमारे प्रोड्यूसर लक्की खान जी जिन्होंने हमको इसमें काम करने का मौका दिया। मैं यही ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि मेरी फिल्म दिल तो दिल जान हो तुम, इसमें मैं एक विलन का काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रदेव कुमार यादव, मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ और सीताराम सर से मिलने के बाद मुझे एक दिल तो दिल जान है तुम एक सेकेंड लीड हीरो का मुझे दिए हैं, उसका प्रकाश किरदार नाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल ठोरे, मैं पुणे से आया हूँ और इस फिल्म में मैं अशोक ककर के कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि एक लीड कैरेक्टर है। और इस फिल्म की कास्टिंग पीछे चल रही थी 6 महीने पहले, तब मैं सीताराम सर से मिला था। आप क्या करने चाहते हो? इस फिल्म में मैं अशोक का कैरेक्टर करने वाला हूँ जिसमें मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं बिहार दरभंगा। इसमें एक मैं पैदा से ही डांसर हूँ, मेरा नाम दिया गया है SSC शिवशंकर चौहान, डांस मेरी जिंदगी है, यही काम मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ। और मैं बिहार से हूँ, इसमें दोस्ती यारी का मेरे को जो है काम दिया गया है, दिल तो दिल है जान हो तुम, इस फिल्म में दोस्ती यारी का मेरे को काम दिया गया है। हाय, मेरा नाम सीताराम है, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैं इस फिल्म का, ये हमारे सुमेश राव, ये सुमेश राव जी हैं, अब ये हमारे फिल्म में बहुत अच्छा भूमिका निभा रहे हैं, किरण कुमार के साइडर बनने जा रहे हैं ये, और बहुत अच्छा रोल है इनका भी हमारा, हाँ, और अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इनके अंदर में ये सब चीज़ें था, इसलिए हमने इनको कास्टिंग किया। आज ये बहुत अच्छा मुकाम पे पहुँचेगा, मुझे यकीन है पूरा। और ये है अपना दीपक राउत, इनकी अननोन फिल्म पहले रिलीज किया, मैं खुद इनको मेहनत करके कैसे भी करके इसको मैंने हीरो बनाया हूँ, ठीक है, और उस फिल्म में मैं भी इंस्पेक्टर की भूमिका किया हूँ। इस समय मेरे फिल्म हॉल के अंदर में लगा हुआ है, जो भी है जिसका भूमिका इसने किया है। और इनसे कुछ ये सुमेश जी क्या कहना चाहेंगे आज के फिल्म के बारे में, किरदार क्या कुछ बताइए हमें। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाह रहा हूँ, मेरा नाम सुमेश रॉय है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से आया हूँ, फर्स्ट टाइम मुंबई में आया हूँ। और सीताराम सर जो कि मेरे गुरु है, इन्होंने टकराया, कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत अच्छे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मूवी में मुझे चांस देंगे। दिल तो दिल जान है तुम, इस मूवी में ऐसा कैरेक्टर दिया है जो कि बहुत बड़ा निगेटिव रोल करते हैं, जो कि किरण कुमार जी, उनके साथ मेरे को रोल इसमें दिया इस फिल्म में, तो इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा मेरे को एक चांस दिया है। आज के डेट में कोई देता नहीं है, फिर भी इन्होंने अपना समझ के मुझे चांस दिया है, तो इनकी बहुत मैं दिल से अपने दिल से तहे दिल करता हूँ कि शुक्रिया। क्या किरदार है, किरदार क्या है? किरदार मेरा ये है कि किरण कुमार के साथ एक लोचा का मेरा नाम उसमें दिया गया है, लोचा, जो कि किरण कुमार का मैं मेन कैरेक्टर रहूँगा, मैं जो भी है खबरी होगी जो भी है मैं किरण कुमार को तक पहुँचाऊंगा। ये मतलब एक तरह से खबरी का किरदार निभा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, आप एक फिल्म का जो गेटअप है वही फिल्म में भी रहेगा, जो अभी गेटअप डाला आपने? यही गेटअप रहेगा फिल्म का। आप हमें उसके लिए एक चीज बता देंगे कि एक बता सकते हैं कि जिस हिसाब से आपकी एक लोचा है? मेरा जो डायलॉग है, देखिए, हाँ हाँ चलिए बोलिए। ओके, एक्शन, साफ 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 अपन लोचा, सॉरी बोलिए, बोल रही है, साफ 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 अपन लोचा, कालीगद काली जो बोलेगा अपन वही करेगा, बात खल्लास, अपुन से लोचा तेरे को महंगा पड़ेगा, बात खल्लास। ये जब बचपन से यहाँ मुंबई में आए थे
जिसे मुंबई में मैं ही प्लेटफॉर्म दिया हूँ आज 10 साल पहले। हर कोई आदमी एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करता है, मुझे विश्वास पूरा है कि हम जिसपे अगर हम भरोसा करके उसको हम काम देते हैं उसे हम जरूर मुकाम पर पहुँचाते हैं, थोड़ा लेट होता बस। इस आदमी क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम मैं नीलेश दीपक रावत और जिनके वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, सीताराम की वजह से, ये कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और मेरे को मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, खाता पीता इन्हीं के साथ हूँ, इन्हीं की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ा। ये फिल्म जो आज शूटिंग हो रही है उसमें जी हाँ उसमें ये इस फिल्म में किरण कुमार का बेटा बन रहा है, एक विलन के कैरेक्टर निभाने जा रहे हैं। सर इसलिए थोड़ा हाइट की वजह से थोड़ा सा इसको एक कर दियो, क्योंकि माँ के जैसे इसका हुआ इसलिए लुक मेरा यही बैठा है कि ये काम कर सकता है, कि इसकी आँखों में एक विलन का टाइप है और एक कैरेक्टर को कोई भी भूमिका निभाना अच्छी है, तो पा में कोई भी एक्टिंग दे उसे, हमें लगा कि इसके अंदर में ये विलन रोल रहता है। ठीक है, जब तक आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।